जनपद बहराइच में कांसा संस्था लखनऊ के निर्देशन पर आपदा युवा स्वयंसेवक दल के सहयोग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की हालत को सुधारने के लिए संगठन लगातार कार्यरत है। तरह तरह के प्रयास करके लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रहे संगठन के संरक्षक दिनेश अवस्थी ने बताया कि संगठन में ग्रामीण स्थानीय मजदूरों की मदद से सरकारी विद्यालयों में और विद्यालय आने जाने वाले रास्ते, स्कूलों के अंदर की गंदगी, घास फूस की साफ सफाई कराई जा रही है। इसमें ग्राम पंचायत नौबस्ता बहोरवा के प्राथमिक विद्यालय और गांव के अंदर की सड़क पर बहुत सालों से कीचड़ एकत्रित हो गया था, जिसको ग्रामीण स्थानीय मजदूरों की मदद से संगठन के सहयोगियों की अगुवाई में साफ सफाई कराकर बाउंड्री के अंदर घास छिलने के साथ साथ सफाई व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद कर दिया गया। वहीं अगले क्रम में ग्राम पंचायत समदा के प्राथमिक विद्यालय में साफ सफाई कराई जा रही है। बताते चले 358 लोगों को आपदा युवक स्वयंसेवक दल लगातार बहराइच में प्रतिदिन रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण का पूरा सहयोग कर रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष पप्पू गौतम ने बताया कि जितने भी श्रमिक साफ सफाई प्रोग्राम या घर निर्माण, सड़क मरम्मत, नाली सफाई या अन्य तमाम प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को काम के बदले अनाज दिया जाएगा। संगठन के संरक्षक दिनेश अवस्थी ने खास बातचीत में बताया, संगठन का कार्य लगातार अभी और भी जारी रहेगा। हमारा संकल्प स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, आत्मनिर्भर भारत। बाढ़ में हुई विभीषिका, त्रासदी, गंदगी, जिसमें सामाजिक कार्यों के साथ साथ गांव की साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई, सड़क मरम्मत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में संतोष पुष्कर, शेष नारायण, सुरेंद्र कुमार, सुनैना वर्मा, सुभाष राजकुमार साहू समेत अन्य लोग विशेष योगदान देते नजर आए। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद। कौन सा रास्ता है जिसकी सफाई करवाई जा रही है? स्कूल से मंदिर तक रास्ता सफाई साफ की जा रही है। क्या समस्या होती थी? कचरा, मिट्टी कचरा। मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। किसकी सहायता से सफाई करवाई जा रही है? आपदा से, आपदा युवा स्वयं सेवक दल संगठन की सहायता से सड़क की सफाई करवाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। क्या प्रक्रिया चल रही है विद्यालय के अंदर साफ सफाई का प्रोग्राम किया जा रहा है? मैं इस स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ जी। यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ की वजह से हमारे स्कूल में लगभग 3 फीट पानी भर गया था जी, और उसकी वजह से हमारे जो रिकॉर्ड है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। योग के लायक नहीं रहा है। स्कूल के पूरे फील्ड में पानी भरा हुआ था, दो दो तीन दिन अंदर कमरों में था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घास हो गई थी, गंदगी बहुत थी। पहले तो हमने खुद सफाई कराई, उसके बाद जो है स्वयं सहायता समूह द्वारा फिर यहाँ पर सफाई कराई जा रही है, जिससे अब बच्चों को राहत मिल रही है, आने जाने में काफ़ी सहूलतें हो रही हैं और उसका कार्य आज भी चल रहा है। आप संगठन को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? संगठन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, जिससे हमारे विद्यालय के साथ साथ गाँव वालों की बहुत उससे सुविधाएँ मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।